एक गांव में गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास कई जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी एक बाज की चोट से एक चूहिया छूटकर उनके हाथ में आ गिरी। उसकी छोटी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं, उन्हें वह बहुत पसंद आई। उन्होंने उसे जादुई मंत्रों के प्रयोग से एक लड़की में बदल दिया। वे उसे घर ले गए और अपनी पत्नी से कहा, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो आज से यही हमारी पुत्री है, इसकी पूरी देखभाल करो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख बहुत प्रसन्न हो गई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। तब साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेंगे। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों से सूर्य को नीचे बुला लिया और उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें इतनी शक्ति है कि वो मेरे किरणों को भी रोक सकते हैं। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया, वो अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया और बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वह कोई अच्छा वर सुझाए। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे मुझे अपनी एक फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाया कर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे बेहतर हो? पवन देवता ने कहा, पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर मना कर दिया। वो बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर होना चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना लेते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया, उसे देखते ही उनकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह जिससे शादी करना चाहती थी मैं। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं, यह तो एक चूहिया थी और एक चूहे से ही विवाह करना इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। इससे हमें सीख मिलती है, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।